आग है एक बंजारा, सबकी मन माँ तेरा द्वारा, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह नहीं पाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली, तूने मुझे बुलाया। देखिए कुछ कुछ तो आनंद ले रहे हैं और कुछ ऐसे विराजमान है। दुनिया में कितना गम है मेरा, कुछ इस टेंशन में विराजमान है। मन में भाव रखिए, क्योंकि भावना में जहां तक भाव नहीं, भावना बेकार है, और भावना में सच्चे भाव है तो भविष्य बेड़ा पार है। क्योंकि माँ दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। माँ के दरबार में सभी की हाजिरी है, बस सुनवाई उसी की होती है जो सच्चे भाव से जाते हैं। तो मां के चरणों में कहेंगे तालियों के साथ, हे सूरज तारे चंदा भी गिर दे उजागर, कोई नहीं मेरे मां के बराबर, हे काले रात हे कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर, कोई नहीं। नवरात्रि का समय है, मां के चरणों में एक अंतरे के साथ में हम कहेंगे माता जी के चरणों में, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखी सुखी दी हमको कभी उसका भोग लगा जाना। एक भंग मां से कहता है कि मां तू भाग्य बनाने वाली है, और मैं तकदीर कमा रहा हूँ, हे मैया सवाल भिखारी को तेरी आंखों का मैं तारा हूँ, मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को तू भुला जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। भजन अब शुरू कर रहा हूँ, पर आप नाचने के लिए फिर से कब से तैयार है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। यही आनंद है जिंदगी का। बाकी जिन्हें पास में भैया मेरे काटा काटा करे, मेवाड़ी में मैंने कही कि मगतो भैया काटा करे, मैंने कही कि मगतो, और जो भैया बोलेंगे मैं पास में भले दो रुपया में बीसी रुपया में खर्चो करे मौके आया बोले कि भैया वाले। तो जिंदगी में आनंद बार बार नहीं आता। हम जिस दरबार में आज जिस दरबार की भक्ति संध्या कर रहे हैं, तो बड़े भाव से जब तक भक्ति संध्या चले आनंद लेते रहिएगा। और वही भजन मेवाड़ का, प्रथम बार मां गाटा रानी के दरबार से गया साल 2020 में, और बहुत बड़ी कृपा हो गई मां की। जहां भी जाते हैं दो या तीन बार इस भजन की फरमाइश आती है पूरी रात्रि भर। जितने भी खड़े हैं आप सभी से निवेदन करूंगा बड़े प्रेम भाव के साथ में, आनंद के साथ में, 1 2 3 ये सोच करके आए हैं कि कितना भी कुछ भी हो जाए पर हम नहीं नाचेंगे। अब ये बताइए कौन कौन सोच करके आए हैं कि मां का दरबार है,
ये नहीं कि भगवत सुधार गाएगा तो हम नाचेंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी उन्हीं के द्वार का पुतला हूँ, मैं कोई अलग से नहीं हूँ। हम सभी एक ही मां के भक्तगण हैं और आज के इस दरबार में मैं गा करके आनंद ले रहा हूँ तो आप सुन करके आनंद ले रहे, बात देगी तो आनंद के साथ में नाचते हुए झूमते हुए Oh,
महाराणा प्रताप की धरती हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने। एक बार खुद के लिए जोरदार ताली बजाएं, एक बार आप सभी गाएंगे मेरे साथ। बस यही एकता चाहिए, क्योंकि जो हिंदू 500 साल के बाद मंदिर बना सकता है तो वो हिंदू समय आने पर भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करवा सकता है। ये वो धरती है का। क्या बात है, कमारे कमार, बिल्कुल जरूर गाएंगे। कुछ समय पहले आपको पता है कि चित्तौड़ साइड में जिन्होंने खुद को मेवाड़ का राजा बताया था, आपको पता है ना, अब उनके खाने पीने के लाले पड़ रहे साहब, उनको पता नहीं है हम जिस मेवाड़ में रह रहे हैं उसी मेवाड़ के बारे में हम क्या कह रहे हैं। ये मेवाड़ उन संत सूरमाओं का है, ये मेवाड़ प्रभु श्री एकलिंगनाथ का है, और इस मेवाड़ के राजा कौन है, क्या बात है। मारा मेवाड़ का महाराजा
मेरे साथ में समर्थन करना तालियों के साथ में, क्योंकि मोदी जी ने तालियों पे टैक्स नहीं लगाया सब, जीएसटी नहीं लगाई है। हिंदू का भगवा है, हक से लहराएंगे। अब कृष्ण जी आए, राम जी आए, अब कृष्ण जी आए, श्री राम जी आए, अब कृष्ण जी आए। तूने मुझे बुलाया शेरावाली।